बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि सरफेस टेंशन पर आधारित है। बच्चों, इस एनिमेशन में देखिए कि किस तरीके से इंसेक्ट वाटर पर बैठा हुआ है और ये उसमें डूब नहीं रहा है, ये चल पा रहा है उस पे। तो बच्चों, आपके लिए मेरा ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाउ दिस वाटर स्ट्राइडर इज एबल टू वॉक ऑन दी वाटर? द आंसर इज सरफेस टेंशन। समझने का प्रयास करते हैं कि ये सरफेस टेंशन है क्या। इस कंटेनर में आप इसके ब्रिम तक वाटर फिल कर दीजिए। कंसीडर करिए एक ड्रॉप को, रेड कलर से हमने एक वाटर ड्रॉप को कंसीडर करा हुआ है। अब इस ड्रॉप पे सभी दिशाओं से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है। दैट मीन्स ये ड्रॉप, चूंकि ये ड्रॉप कहीं मूव नहीं कर रही है, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ड्रॉप आर बैलेंस्ड। तो इसके ऊपर जो कोहेसिव फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस्ड हैं। बच्चों, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के बारे में आपको मालूम है, चूंकि ये वाटर ड्रॉप है, ये थ्रू आउट बल्ब के बीच में है, तो अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, सेम टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अब अगर मैं कोई दूसरी ड्रॉप इमेजिन करता हूँ जो कि आपके वाटर सरफेस के टॉप पर है, तो उस ड्रॉप या उस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे जितने भी एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के कारण फोर्स लगेगा, लेकिन उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है। यानी कि अपर मोस्ट ड्रॉप पे जो हमने कोहेसिव फोर्सेस देखी हैं वो अनबैलेंस्ड हैं, वो एक नेट फोर्स उस ड्रॉप पर लगा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबके ऊपर एक डाउनवर्ड एक नेट पुलिंग फोर्स लग रहा होगा, और इसी फोर्स के कारण द सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सो द सरफेस ऑफ वाटर बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे उसे खींच के, उसे तान के कहीं पे हमने रख रखा है, उसको चारों ओर से खींच रखा है। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस में एक तनाव है, एंड दैट रिजल्ट्स इन सरफेस टेंशन। सो बेसिकली सरफेस टेंशन इज नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन एनी सरफेस ऑफ अ लिक्विड। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन कंसीडर्ड ऑन द सरफेस एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस। यानी कि ये अगर मैंने एक थिन फिल्म ले रखी है लिक्विड की, इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर वो सारी फोर्सेस लगेंगी सरफेस टेंशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर लग रही हैं, और कहाँ पे लग रही हैं, अलोंग द सरफेस ऑफ द फिल्म लग रही हैं। सो आई कैन मैथमेटिकली डिफाइन सरफेस टेंशन एस इज इक्वल टू दैट फोर्स, दैट परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय द लेंथ। ये कौन सा परपेंडिकुलर फोर्स है जो आपके लेंथ के अलोंग लग रहा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है? तो बच्चों, सिंस इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सो वी कैन से दैट इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। डायमेंशंस होंगे एम टी की पावर माइनस टू। अब बच्चों, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी मतलब सिंगल मैग्नीट्यूड बट मल्टी डायरेक्शनल। तो चूंकि अगर सिंगल डायरेक्शन होती तो हम इसे वेक्टर कहते हैं, बट इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, आप इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन किस तरीके से हम एक थिन फिल्म इसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं इस सोप सॉल्यूशन से। ये हमने यहाँ पे फ्रेम तैयार किया और इस फ्रेम को हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, और ये हमने एक थिन फिल्म निकाल ली, बहुत ही खूबसूरत थिन फिल्म। जैसे ही हमने इसे काटा, आपने देखा कि ये जो पाइवट था, जो आपके फ्रेम में मूवेबल पाइवट था, क्योंकि हमने जैसे ही लेफ्ट साइड को काटा, मैं दोबारा से एनिमेशन दिखाता हूँ, ये राइट साइड की ओर मूव कर गया। दैट वॉज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। एक बार फिर से आप देखें इसे, फ्रेम को हमने डिप किया सोप सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे ये बीच में जो वायर है
ये मूवेबल है, इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ही हमने थिन फिल्म ऑब्जर्व करी। लेफ्ट साइड के फिल्म को हमने काटा और ये जो फ्रेम का मूवेबल पार्ट था ये राइट साइड चला गया, क्योंकि इस पे सरफेस टेंशन एक्ट कर रही थी। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ही सरफेस टेंशन एक्ट कर रही थी एज लॉन्ग एज द थिन फिल्म वॉज देयर, बट जैसे हमने सीजर से लेफ्ट एंड के फिल्म को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो राइट साइड से उस लेंथ के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लग रही थी उन फोर्सेस ने मूवेबल पार्ट को राइट साइड में मूव करा दिया। इस वजह से आपके फ्रेम का जो मूवेबल पार्ट था वो राइट साइड मूव कर गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द फिल्म ऑन द राइट साइड। अब अगर हम इसे एनर्जी के टर्म्स में समझें तो हम इसे सरफेस एनर्जी भी कह सकते हैं। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी कंटेन्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच दे स्टे ऑन द सरफेस अगेंस्ट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अदर मॉलिक्यूल्स। बच्चों अगेन ये एक सरफेस फिनोमिना है। हम सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। सरफेस टेंशन में हम इसे फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे हम एनर्जी पर यूनिट एरिया के टर्म्स में डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से कि सरफेस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि जो टॉप में होते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड लेयर के टॉप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा एक्सेस एनर्जी होती है, तो जैसा कि मैंने कहा कि सरफेस के पार्टिकल्स के पास एक्सेस एनर्जी होती है, ये जो एक्सेस एनर्जी होती है दिस इज इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू क्रिएट द सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। अब सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशनशिप है हम वो जानने का प्रयास करते हैं। ये हमने एक फ्रेम लिया जिसकी विड्थ है डी, इसका एक मूवेबल पाइवट है, मूवेबल एंड है जिसे हम मूव कर सकते हैं। इसे हमने सोप सॉल्यूशन में डिप करके इसकी एक थिन फिल्म क्रिएट करी है जिसका अपना एक सरफेस टेंशन होगा, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट कर रहा होगा अलोंग द सरफेस ऑफ द फिल्म। इसके अगेंस्ट हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस सरफेस को स्ट्रेच करेंगे अप टू डिस्टेंस एक्स। इस इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसे एक्स डिस्टेंस तक हम स्ट्रेच करेंगे। सो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम द सरफेस टेंशन फोर्स, इट वॉज सरफेस टेंशन इन टू टू डी वेयर एस इज द सरफेस टेंशन, एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन विल बी गिवन एज एफ इज इक्वल टू एस इन टू टू डी। अब बच्चों याद दिलाना चाहूँ डी इज द विड्थ ऑफ फ्रेम। अब यहाँ पर हमने टू डी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो हमारी थिन फिल्म है उसके दो फ्री सरफेस हैं और दोनों ही फ्री सरफेसेस को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उन दोनों पे ही सरफेस टेंशन लगेगा, दैट इज़ वाई हम डी की बजाय टू डी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्स एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एस इंटू टू डी इंटू एक्स, so w is equal to s dot a, or this work done is converted into potential energy of the molecules at the surface। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो excess energy होती है surface के molecules के पास, this is equal to the work done in creating that surface of molecules। so surface energy is equal to s dot a, or surface tension is equal to surface energy per unit area, or it is the work done in order to create a particular surface of a particular area divided by the magnitude of that area। So surface tension is also defined as surface energy per unit area। Surface tension is the characteristic of a surface of liquid due to which it tries to decrease its area and for this purpose applies a force of attraction between molecules at the surface। यानी हमेशा एक लिक्विड का प्रयास होता है कि वो हमेशा एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है,
एंड ड्यू टू दैट वो अपनी सरफेस को स्ट्रेच करता है टू मिनिमाइज इट्स एरिया। तो बच्चों सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के कंसेप्ट को सीखने के बाद आइए बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट टेस्ट की ओर। इफ द फिल्म इनसाइड द लूप ऑफ थ्रेड इज पंक्चर्ड विथ अ नीडल देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट शेप विल द लूप टेक। अच्छा तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि क्या होगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों सवाल में हो क्या रहा है पहले ये समझने के लिए हम वीडियो का थोड़ा सा पार्ट देखते हैं। ये हमने फ्रेम लिया, सोप सॉल्यूशन में डिप किया, इस तरीके से हमारी खूबसूरत थिन फिल्म हमें मिल गई। अब एक थ्रेड को हम लिक्विड में डिप करके अपने फ्रेम के ऊपर डाल रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है, जैसे कि मैंने इस थ्रेड को इस फिल्म के ऊपर डाला, तो जब मैं इस थ्रेड के बीच वाले एरिया को पंक्चर करूंगा तो लूप क्या शेप लेगी, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो बच्चों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर, हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। आगे वीडियो प्ले करने पर मालूम चलता है कि हम इसे जब पंक्चर करेंगे तो इट टेक्स अ सर्कुलर शेप। इसके बाद हम इसमें एक और थ्रेड डिप करेंगे और उसे भी पंक्चर करेंगे और हमने देखा कि ये अगेन इसने सर्कुलर शेप ले लिया है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि द फिल्म इनसाइड द लूप ऑफ थ्रेड इज पंक्चर्ड विद अ नीडल देन द लूप टेक्स अ शेप ऑफ सर्कल एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। तो बच्चों आइए एक नजर डालते हैं सॉल्यूशन पे। इफ द फिल्म इनसाइड द लूप ऑफ थ्रेड इज पंक्चर्ड विथ अ नीडल देन लूप टेक्स द शेप ऑफ सर्कल ड्यू टू सर्फेस टेंशन। अब ठीक है, बोल तो दिया कि सर्फेस टेंशन की वजह से ये ऐसा होता है, लेकिन समझने की बात यह है कि थ्रेड के अंदर की फिल्म को जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, एक्चुअल में जब थ्रेड के अंदर और बाहर दोनों तरफ फिल्म होती है तो सर्फेस टेंशन तो दोनों तरफ से लगता है। जब आप अंदर की फिल्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सर्फेस टेंशन थ्रेड की बाउंड्री में फोर्स लगाता है अपनी तरफ। इसका मतलब ये है कि थ्रेड की बाउंड्री में नॉर्मली आउटवर्ड नेट फोर्स लगता है, यानी कि सरफेस टेंशन थ्रेड को हर एक डायरेक्शन से बाहर की ओर खींचता है और इस वजह से ये सर्कुलर शेप आपका थ्रेड ऑब्टेन कर लेता है।